इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन गोरखपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर देश भर के तमाम पत्रकारों ने शिरकत की और साथ ही भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से भी पत्रकारों ने इसमें अपनी भागीदारी निभाई। गोरखपुर के MSI इंटर कॉलेज बख्शीपुर में आयोजित की हुआ ये चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन। इस अवसर पर नेपाल सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद जाकिर हुसैन भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए विश्वसनीयता पर विशेष बात की। उन्होंने कहा, विश्वसनीयता पत्रकार का मूल धर्म है। पत्रकारों को चाहिए कि समाज में हो रही घटनाओं की सच्चाई को जनता के सामने लाएं, तभी उनकी विश्वसनीयता बनी रहेगी। विश्वसनीयता की ही पत्रकारिता का मूल धर्म है, यह बातें कहते हुए उन्होंने इस सभा का आयोजन करने वालों को धन्यवाद भी दिया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद राय ने कहा कि सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि घटना स्थल पर जाकर सही बातों का पता करके जब खबर बनाई जाती है तब विश्वसनीयता कायम रहती है। वहीं दूसरी तरफ दुर्जटी भूत भवन मिश्रा ने कहा कि इस समय सामाजिक मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है, उससे पत्रकारिता भी अछूता नहीं है। फिर भी हमें अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए दबे कुचले व वंचितों की आवाज को जनता के सामने लाना चाहिए। राज्य मंत्री पुष्प दंत जैन ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, इसलिए उन्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन निष्ठापूर्वक करनी चाहिए। सम्मेलन को प्रयागराज से आए सलमान अहमद इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अंतर्राष्ट्रीय 14वां अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों के हित को लेकर हर कदम पर एक रहने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई प्रस्ताव भी लाए, जिसमें संपूर्ण देश भर के पत्रकारों की रक्षा को लेकर पत्रकार सुरक्षा कानून सख्ती से लागू किया जाए, पत्रकारों को मान सम्मान एवं सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र का गठन हो जिसका प्रतिनिधित्व केवल पत्रकार ही करे और इसका वोटर पत्रकार ही हो जो विधान परिषद एवं राज्यसभा के दोनों सदन में अपने हक और हुकूक की आवाज बुलंद कर सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर SP त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के आयोजक इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज अहमद कुरैशी ने आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई जिसके तहत प्रयागराज से सलमान अहमद राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए एवं साथ में मंडल प्रवक्ता शाहबाज अंसारी, कोर कमेटी सदस्य इमरान यूसुफी और कई पदाधिकारी साथ में सोमराज वर्मा भी सम्मान समारोह में शामिल हुए। आइए देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम की कुछ झलकियां। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत बेहद खुशी का माहौल और हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ बहुत अच्छे और उम्मीद है अभी इसी के साथ कार्यक्रम शुरुआत हो गया। अभी विशेषज्ञ निगर आप सबके हम बहुत आभारी हैं। समय हम लोगों को दे करके जो हम तालियों के साथ अभिवादन करें। ठीक है, मेरे बीच में दोनों उत्तर सर है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पसंद है और ये आगे है दोनों उत्तर। मोहम्मद इरफान उल्लाह साहब कांग्रेस में पूरा
विषय का नाम है निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूत करती है। खुशी राम साहब दानिश नबी भट्ट से जिनसे सीखा पढ़ा है उसमें से एक आप मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद माननीय मोहम्मद जाकिर हुसैन करता हूँ। बाकी शायद अच्छी बात होती लेकिन मेरे लिए जो जिम्मेदारी आज तय कर दी गई है इस में जो है काफी सारे लोगों ने देश के कोने कोने से यहाँ पर जर्नलिस्ट लोग इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान समारोह संगोष्ठी महाधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। देश और विदेश के ख्याति प्राप्त पत्रकार साहित्यकार और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आज गोरखपुर MSI इंटर के सभागार में सम्मानित किया गया। इसमें सभी उपस्थित पत्रकारों ने एक स्वर में केंद्र सरकार से मांग किया कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करे, जो पत्रकारों की जो है बहुत प्रतीक्षित मांग है। उसके साथ साथ विधान परिषद में जो है पत्रकारों का अलग कोटा किया जाए, यानी एक विधानसभा पत्रकारों के लिए अलग बनाया जाए। इसके साथ साथ असुरक्षित पत्रकारों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे और दोषियों को ट्रायल बेस पे जल्द से जल्द उनको जो है सजा दे। इसके साथ साथ हमारे देश विदेश से आए हुए पत्रकारों ने इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में भाग लिया। हम उन सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन परिवार ने इतने बड़े पैमाने पे आप सभी पत्रकार साथियों को जो देश के चौथे स्तंभ हैं उनको सम्मानित किया। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से पत्रकार लोग हमेशा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। देखिए ये तो बात सही है कि केंद्र सरकार से विभिन्न तरह के आंदोलन और तमाम तरह के कार्यक्रम चलाकर इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने विभिन्न प्रदेशों में ये डिमांड किया कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, लेकिन सरकार ये अभी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। वेब पोर्टल और यूट्यूब पोर्टल पे भी सरकार अंकुश लगाने का कार्य कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपस में विवाद फैलाने की कोशिश कर रही है, जो इंडियन जर्नलिस्ट जिसका विरोध करती है। हम सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया के पत्रकार एकजुट होकर देश के चौथे स्तंभ के रूप में भारत की एकता अखंडता के लिए जिस तरह काम कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, नहीं तो इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सड़क से लेकर संसद तक जो है संघर्ष करने का कार्य करेगी। सर आखिरी सवाल, अभी देश में पूरे देश में कितने